दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धेनु धन में। हमारा प्रयास कृषि और पशुपालन संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आपके पास आपके पास आके ये सीख सकते हैं? हाँ, खेत भी देख सकते हैं, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। अच्छा, तो इसमें खर्चा कम आता है ज्यादा आता है? तो आप कितने दूरी पे रहते हैं उस पर निर्भर करता है आपके जाने आने का। नहीं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और अगर इसको कंपेयर करें पेस्टिसाइड वाली जो फार्मिंग है, उससे कम खर्चा है या ज्यादा है? कम खर्चा, कम सिर्फ लेबर खर्चा पड़ता है। अच्छा, तो इसका प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है फिर भी? महंगा इसलिए होता है कि लेबर बढ़ता है ना उसका। अच्छा, लेबर में बढ़ोतरी होती है ना। अच्छा, तो किसान को तो खर्चा ज्यादा ही पड़ता है। और दूसरी बात, प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है ना एकड़ में। अच्छा, तो फिर वो तो मेंटेन होने तो सुनते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है कुछ टाइम बाद, तो वो क्या सही है कि नहीं है? कुछ टाइम बाद फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक हो या केमिकल, हमारी प्रकृति दिन ब दिन हमारे खिलाफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जाने के लिए मजबूर किसने किया है? हमने किया है। बिल्कुल, पंछियों जंगल में कुछ रखा नहीं पंछियों के लिए, तो जंगल के पंछी खेतों पे अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये दोष किसका है? हमारा ही है। बिल्कुल, तो फिर पंछियों आधा खा जाते तो हमारी 6 क्विंटल के बगैर प्रोडक्शन 3 क्विंटल बच जाता है। बिल्कुल, फिर ये कहाँ से भर के लाएगा? इसलिए तो पेट तो भरना है, जीना तो है। बिल्कुल, इसलिए ये प्राइजेस थोड़ी। अच्छा, ये क्या है, ये मतलब पक्षी के लिए पेड़ पे टांग देते हैं? पक्षियों के लिए है, दाना पानी डालने का। अच्छा, तो पक्षी आएंगे तो वो खाएंगे? खाएंगे। अच्छा, ये फूल रखने के लिए फूलदानी है, शो पीसेस है। अच्छा, तो ये पेड़ पे टांगते हैं? पेड़ पे टांगो या घर की दीवार में, खिड़की में, ग्रिल में टांगो। अच्छा, तो सर चलो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, तो फार्मर्स के लिए भी आप ट्रेनिंग वगैरह सब मतलब अरेंज हो जाएगा? बेंगलोर में भी एक यूनिवर्सिटी में हमने ट्रेनिंग दिया है अभी पिछले महीने में। अच्छा, आप लोगों ने? जुलाई में। हाँ, ये सब बनाने का। हाँ, 5 दिन का ट्रेनिंग दिया। अच्छा, इसमें क्या प्रोडक्ट यूज होता है, ये कैसे बनता इसमें है? ये फल, मूली, तना, उसकी शूट्स, अच्छा फ्लावर्स और फ्रूट सबका यूज करके हम ऐसे स्कल्पचर बनाते हैं। अच्छा, कोई मतलब सीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा रखता है ना, डॉक्टर को कॉस्टिंग देते हैं उससे तो सस्ता ही पड़ता है ऑर्गेनिक। वही तो, वो आखिरी का कैलकुलेशन तो आपको फायदे में लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक महंगा जरूर है लेकिन अगर लास्ट में, क्योंकि उसको महंगा होने का वजह एक है, जो दाले हम बना रहे हैं ना सब ये पत्थर के जाते पे बना रहे, तो लेबर तो लगेगा, उसको धोना है, 4 दिन सुखाना है, उसके बाद में ग्राइंड करना है, बाद में हवा से उड़ाना है उसको, साफ करना है, तो इसमें लेबर तो जाएगा, तो लेबर को तो पेट भरना है, उसको तो पेमेंट देना है, तो बिल्कुल थोड़ा महंगा तो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और मिल का क्या है, इधर से बोरी डाल दो तुअर की तो उधर से फटाक के दाल हो जाती है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दाल बन के आती है, तो उसमें क्या बचा रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो विदाउट हीट से बनाते हैं हम। ठीक है सर, चलो सर ठीक है, आपका नंबर ये इसमें लिखा हुआ है ना ये? थैंक यू सर, थैंक यू।